यू हैव टू थिंक वेरी हाईली ऑफ योर सेल्फ जब तू तीन सौ डेडलॉक मारने जा रहा है तेरे दिमाग में ना तू राजा होना चाहिए तू किंग है कोई और नहीं स्टैंड करता टिको तुम बोलोगे तो भी सही है यू हैव टू थिंक आई एम द बेस्ट मैं पावर लिफ्टिंग ऐसा फेम के लिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग फेम कहाँ थी कहाँ थी कौन कर रहा था किसके व्यूज आते थे तो मैंने करा क्योंकि मेरा मन था

कि कैसे स्टार्ट करी तुमने जर्नी मतलब हाउ इज स्टार्टेड वेर आई यू फ्रॉम हाउ इज इट बीन तो बहुत सारे लोग मे भी हो सकता है मेरे को नहीं जानते हो तो आई आई कम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड सो वहाँ पे मतलब स्कूल वगैरह हुआ देन आई केम टू कॉलेज टू देहरादून यू पी एस पेट्रोलिया सो फर्स्ट ईयर था फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर अराउंड सो so, ऐसा मेरे को कॉलेज में ऐसा फील हो रहा था कि लाइक like, hmm. मतलब दोस्त बन रहे थे बट एवरीबडी वॉज इनटू रॉन्ग थिंग्स काइंड ऑफ ऑफ होता है फर्स्ट ईयर में एंड uh, नशा हाँ। नशा एंड एवरी थिंग सो मैं मतलब घर से अलग बर्डन लेके आया था काइंड kind ऑफ of, कि भाई ऐसा इन देंस कि लाइक like, like, uh, वी है, है बंदे का जो मतलब दे जो पैर कि बहुत मुश्किल से तुम्हें भेजा इस कॉलेज अगर तुमने वहाँ जाके नहीं कुछ डिलीवर नहीं किया तो फिर मतलब यू हैव टू मेक अ करियर आउट या यू हैव टू मेक अ करियर आउट ऑफ तो मैं मैं वहाँ पे मज़े करने के लिए नहीं गया था तो दैट्स वॉट तो कॉलेज ख़त्म हुआ कॉलेज मतलब खत्म हो रहा है चार बजे कॉलेज खत्म हो गया लाइक बडी इज डूइंग ना ना फिर क्लबिंग पार्टैश ये वो फर्स्ट ईयर है ओबियसली और स, तो सब पे पैसे भी हैं तो मेरे पे वो भी नहीं है मैं क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कॉलेज मतलब उसके बाद चार बजे वाले वाले के बाद टाइम पे बस बैठा हुआ बैठा कुछ है मजा नहीं, हाँ, नहीं आ रहा कर दिया था नाइन्थ के रहा हूँ बट कोई सीरियस नहीं कुछ नॉलेज नहीं उस टाइम तो मैं यूट्यूब चलाता भी नहीं था यूट्यूब चलाना ही मैंने फोन ही लिया इलेवंथ में और यूट्यूब मैंने चलाना ही शुरू किया कॉलेज में तो मतलब कुछ भी पता नहीं था तो आई यूज़ टू गो टू अ जिम वहाँ पे नॉर्मल जो बताते थे बड़े लोग यूज टू जस्ट कॉपी सो नो स्पॉट नो डेड लिफ्ट वहाँ मना okay. था बिल्कुल ओके okay. हाँ हाइट रुक जाएगी एंड ऑल दैट तो प्रॉपर वो ओल्ड ओके नहीं <laughs> <laughs> तो भाई थोड़ा बहुत वहाँ पे किया तो थोड़ा बहुत बॉडी बन गया था और जीरो डाइट नॉर्मल चावल रोटी जो घर पर बनती है okay. सिंपल ये बता मुझे कि क्या देख के स्टार्ट किया मतलब कि जिम जाऊँ क्यों जाऊँ दो तीन चीजें हैं पहले तो जिम में मतलब एक बार ही नाइन्थ में टेंथ में लड़ाई हुई स्कूल में mm. तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे बॉडी में जान नहीं है कि बॉडी जरूरी है हां। अच्छा सो काइंड काइंड ऑफ ऑफ लाइक बुलेट या ग्राउंड में स्कूल में सबके सामने तो मेरे को लगा कि भाई बॉडी में थोड़ी पावर होनी mm. मतलब तो होनी चाहिए मतलब इतना तो होना चाहिए यार कोई डर नहीं रहा है एंड अ गाय इन माई क्लास ही लाइक वो पहले से जिम कर रहा था एट से एंड जो लेवेंथ में था लाइक बडी यूज टू फियर हिम

मतलब हमने ट्रेन करना शुरू किया तो वेरी स्मॉल जिम अगर कोई इंस्टाग्राम पे मेरे एकदम पहले के टॉकिंग अबाउट और दो चार यूट्यूब एनी थिंग डम्बल्स पंद्रह किलो तक वेट था ने थे ने थे ने थे थे? या, वेट वन ट्वेंटी है उस जिम में सो so लाइक like बहुत सारे लोग बोलते कि बहुत जिम चाहिए बड़ा जिम चाहिए उस जिम में कुछ था ही नहीं बारबल्स थे दो चार मशीनें थी दैट्स ऑल नो लाइटिंग नथिंग कुछ भी नहीं एक लाइट लगी थी दैट्स ऑल बड़ी कोई आता ही नहीं था हॉस्टल हांजी <laughs> में आएगा दो चार लोग आते थे तो तू जाने लग गया चार बजे के बाद या सो यू स्टार्टेड गोइंग बजे एंड हम दोनों करने लगे कोई प्रोटीन नहीं कुछ नहीं, वाई प्रोटीन नो केस ऑफ प्रोटीन इन एवरी मेरी पहले की फोटोज देखो दैट्स विदाउट सप्लीमेंट्स विदाउट प्रोटीन नथिंग नॉलेज ही नहीं है प्रोटीन के बारे में so, सो हम कर रहे हैं कर रहे हैं और हॉस्टल का खाना नहीं कोई डाइट नहीं

Oh. छः महीने करी एंड आई स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज नोटिसिंग लाइक हाथ में वेंग इतनी सारी आ रही है सो so नोटिसिंग not हर को बोलने लगा रहे, क्या है, ये है वो है लाइक like, फिर एक लड़का आया आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑल्सो फिर एक लड़का आया तो उसने बोला कि भाई मेरे को भी बॉडी बनानी है आप मुझे ट्रेनिंग दोगे आई लाइक लड़के ने कुछ से आके बोला हाँ मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है ना थोड़ी बहुत है एक्सरसाइज वगैरह की तब तक मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था यूट्यूब hmm. देखने लगा था दो चार चैनल्स और uh, मैंने बोला ट्रेनिंग अच्छा फिर मैंने बोला अच्छा मैं बताता तो, हूँ आप नंबर दे दो थॉट 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 आई नो ठीक है कितने पैसे लेने हैं क्या लेने हैं तो मैंने मतलब ऐसी तुक्के में बोल दिया मेरे को तो पता भी नहीं था कि देगा नहीं देगा मैंने बोल दिया बारह सौ रुपए बारह सौ रुपए फॉर मंथ इतना कौन देगा यार लगते बारह सौ अग्रीड And then from the next day, started coming to the hostel gym. gym, gym way. Way. And hey, yeah, <laughs> after college and I started coaching him. Oh. Then after three months, I had like eight, nine people. Oh. By so uh, coming to the gym. Yeah. To train under you. Yeah. In that hostel gym only. Oh, re, boy. I was like, what is this happening?

Uh, फिर यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ वह फिर वहाँ से फिर द फर्स्ट है जिसको मैंने ट्रेन करा था हाँ ही टोल्ड मी कि ब्रदर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट फ्री सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप्स ऐसे तो यूट्यूब स्टार्ट करो आपकी फिजिक है अगर मेरे को ज़ीरो पता कुछ नहीं अगर आप करोगे तो आपको फ्री के सप्लीमेंट्स मिलेंगे ठीक है फ्री में सब मिलेगा ये होगा उसको फ्री में सप्लीमेंट्स देते हैं शोड मी सम समाग्राम uh, इन्फ्लुंसर पे उसको अनबॉक्स कर रहे हैं बॉक्स खोल रहे हैं उसमें से डब भी निकालते ये फ्री का मिलता है मुझे इतना भी नहीं पता है तो हाँ इस टाइम पे भाई इतना ग्रो नहीं था फिटनेस विटनेस फील्ड दो चार ही लोग थे ऐसा कुछ बहुत लोग थे भी नहीं तो मैंने बोला ठीक है उसके बाद छुट्टियाँ हो गई मैं घर पर गया तो घर पर गया तो घर पर और सीरियसली ट्रेन करा फर्स्ट टाइम एस डाइट करा फर्स्ट टाइम मैंने बोला मम्मी पापा को कि नहीं मेरे को डाइट करना है इस दो महीने दो महीने की छुट्टी थी मैंने बोला कि नहीं आप कौन से देर में था इस टाइम पर

उतने में ही बन रही थी एंड द फर्स्ट टाइम लेके आई वाज टेकिंग 150 180 ग्राम प्रोटीन मैं उस टाइम होगा 17 के का होऊंगा मैं तो डबल से भी ज़्यादा जा रहा था वाह क्रेजी रिजल्ट आने शुरू mm. मतलब एक महीने में लगे गई तो घर में जिम कैसा था I joined normal मतलब नहीं आई जॉइन नॉर्मल ही मतलब जिम का फीस था थ्री पर मंथ ओके सो और लाइट अचीव इन थी का। हाँ लाइट अचीव रही थी हार्ड था जिम लाइक लाइक कुछ होती है बात हार्ड लोहे वाले जिम की

तो पहले ना जैसे पहले मैं पता क्या सोचता था यार ना मेरे पे कैमरा है ना मेरे पे अच्छा फोन है तो मेरे पे एक रेडमी था दस हजार वाला उससे तो वीडियो बनने के लिए तो मैं यही सोचता था कि मेरे पे तो है ही नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊँ सेटअप वेटअप ठीक है तो हो नहीं सकता ये सब देन मेरे को एक यूट्यूबर देखा वो वेरी बिग वेरी नाउ नाउसो इज वेरी बिग वेरी बिग ऑन सोशल मीडिया देन मैंने उसकी सबसे पहले की वीडियो स्क्रोल करी एंड सबसे पहले की वीडियो स्क्रोल करी एम लाइक वो बिल्कुल मेरे घर जैसा ही नॉर्मल घर बिल्कुल दीवारें सीलन आ रखी है बेड एकदम रियल भाई बहुत ही रॉ कुछ भी नहीं है उस पे एनी शोइंग थिंग्स एंड आई थॉट कि सेम है एंड वो मतलब मॉइस्चर चला रहे हैं आई नो ब्रो तो मैंने बोला कि ठीक है इसने भी तो यहीं से स्टार्ट करा था देन व्हाई कांट आई स्टार्ट तो फिर आई कॉल्ड माय फ्रेंड इस पे आईफोन इज गोल्ड उस पे एक आईफोन 4 था 4 अच्छा थिंक सर दिस इज 2018 आईफोन एटीन आई फोर सेकेंड हैंड उसने भी लिया था आई कॉल्ड माई फ्रेंड इज़ माई स्कूल फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड तो मैंने उसको कॉल करा मैंने बोला कि यार मेरे को वीडियोस बनानी है एंड द फर्स्ट टाइम इस डर है यार क्या है ये वो मजाक न कर ये वो मैंने बोला कि चल दो वीडियो बना दे आ घर आ ट्राई करते हैं देन घर पे तो पॉसिबल नहीं था तो घर के पास एक स्टेडियम है तो उस स्टेडियम में गए एंड आई मेड द फर्स्ट वीडियो ऑन फैट लॉस एंड मैं कैसे तीन घंटे लगे उस मिनट की वीडियो बनाने में बात ही नहीं कर अरे रहा। अरे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ मतलब पंबल मार रहा हूँ न्यूज रिपोर्टर जैसा बात कर रहा हूँ बट ठीक है वो हुआ वो जगह वो जो वीडियो है ना सॉरी टू कट यू बट जो सारी वो ईटो वाली हो गई और इसे तो हॉस्टल में बैठ के अपना मसल बेस कर रॉ प्रोटीन दिखा रहा है या या।

I think 1200 का आता था प्रोटीन yeah, yeah. तो मैं ऐसे oh. लेता था, था मैं मतलब वेबसाइट पे गया तो सर्च माई लोएस्ट लोएस्ट में रो तभी तो भाई जब मैंने वो देखा ना तब मुझे क्योंकि मुझे लगा भाई ये जनविन है इतनी जेनविनिटी दिखी ना वो भाई कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है अगर भाई बजट फ्रेंडली मैं भी कॉलेज में हूँ बॉडी ah. बना रहा हूँ ah. भाई इसको जिसको दे दें और वो ईटे वाली पूछे ये सारी मैंने देख लिया उस टाइम पर मतलब फिर वही यूट्यूब फर्स्ट वीडियो बनाई सेकेंड वीडियो बनाई थर्ड वीडियो बनाई कुछ चली नहीं स्टार्टिंग में नहीं चलती और मेरे को लगता है कि आ, हम हमेशा कहते हैं कि मैंने खुद से सक्सेस करी ये वो बट मेरे को लगता है भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है आ, ऐसे कोई सक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप पे ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि कितने लोग मेरे को लगता है विद गुड डी गुड एवरीथिंग बहुत लोग हैं जो मैंने देखे हुए हैं बनाते हैं बट दे दे डोंट डोंट वर्क वर्क देख बहुत सारे लोग होते हैं आपके सा, सामने ही कंटेंट बना रहे होते हैं उसी जिम में या उसी एरिया में उसी इन्वायरमेंट में बट उनका नहीं चलता उनको लोग नहीं देखते करेक्ट तो आपको भगवान को देना पड़ेगा तो और hmm. एट्थ so, वीडियो तो उसमें मैंने एक चीज देखी कि एक यूट्यूबर है उसने एक शर्टलेस वीडियो बनाई है तो दैट मीन थ्री फोर मिलियन आई फ्रेंड भाई ऐसा ऐसा लाइक तुम ये करेगा

मॉर्निंग सेवन ए एम वी दैट शर्टलेस इन पब्लिक विद पूरा इधर उधर में एक हफ्ते बाद साढ़े आठ बजे मैं क्लास गया हूँ साढ़े ग्यारह तीन क्लास थी साढ़े ग्यारह वापस आया हूँ एंड वो वीडियो दो लाख पे थी इन थ्री आवर्स एंड सब्सक्राइबर कितने बड़े मतलब मतलब मैं क्लास से निकला हूँ तो मैंने ऐसे चेक करा और मेरे को अभी भी याद है मैं चिल्लाने लगा था मतलब तो उस टाइम पे काफ़ी बड़ा ग्रुप था मेरा तेरह चौदह लोगों का ग्रुप था दोस्तों का मैं चिल्लाने लगा सबको हक करने लगा कि भाई क्या हुआ ये एंड वो अगले सुबह तक एक मिले बाई एन आवर्स एट थर्टी थाउजेंड पहले कितने थे उससे पहले ए आठ सौ आठ सौ सब्सक्राइबर तो, तो मैंने ही शेयर करा कर आके पाँच करा होगा ओ भाई तो मतलब ऑर्गेनिकली तूने Yeah. बहुत oh तो तो हाँ। mm -hmm. सारे लोग अभी तो पता ही की पैसे मिलते हैं, को इतने पैसे मिलते हैं वो, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी होती है मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि पैसे मिलते इतने मिलते ये वो तब भी कॉलेज में पढ़ रहा था बढ़िया हर दिन क्लास जा रहा सब कुछ कर रहा था मतलब पैसे का आइडिया नहीं था मेरे को तो डेपो भी बनाया गया मैं तो फ्री में कर देता था प्रमोशन अरे हाँ प्रोटीन दे दो हाँ कर दूंगा कर दूंगा सेवेंटी एटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड तक सब्सक्राइबर तक मैं ऐसे ही हाँ पता कब लगा फिर कि भाई ये तो पता तो लगा आई जब मेरी एक दो इन्फ्लुंसर से बात होना शुरू हुई एंड देस साइड की इतना चार्ज कर सकते हो तुम ये वो मैंने बोला है इतने पैसे मिल सकते हैं इतने पैसे मिल सकते हैं मेरे को आइडिया ही नहीं था एंड देन एक ब्रांड आया एंड मतलब मैं तो ऐसे तो 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 आई स्टिल रिम्बर ये वसंत विहार वसंत विहार है ना hmm. मैं उसके बाहर खड़ा हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ हु, बैठा हुआ एंड आई ब्रांड का कॉल आया एंड मैंने ऐसे 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 करते हुए बोला कि टेन थाउजेंड दो हाँ ठीक है ठीक है फिर आई कट द फोन आई टेल माई फ्रेंड आई जस्ट ऑन टेन था एंड मीरे का कॉन्टेक्ट किया मसल ब्रेस, मसल प्लेस ने कॉन्टेक्ट करा हो गया मेरे को मसल बेस के साथ दिस इज माई थर्ड ईयर थर्ड ईयर थर्ड ईयर थर्ड ईयर

बट नाइक को इतना पसंद आया उन्होंने बोला उसको वो किया कि भाई अब तू हाल ले नाइक कमर्शियल बना बट वो उस लेवल का वो बन गया था ऑब्वियसली फिल्म मेकर सो यू बिकेम द एथलीट दे वांटेड या सो दैट देट वेट ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं मेरे को हमेशा मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं इतना ग्रो कर जाऊंगा मेरे को पता ही नहीं था मतलब मेरे को खुद पे ही बिलीव नहीं था सच तो बहुत सारे लोग एकदम खुद को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए वेट करते हैं खुद परफेक्शन चेज करते हैं भाई देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी तो बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर में थ्री आउट ऑफ टेन था बट वो धीरे धीरे ही आप ग्रो करोगे डोंट ट्राई टू बी अ टेन आउट ऑफ टेन इन द आई एम टेलिंग पीपल वेट फॉर परफेक्शन लाइक जस्ट जस्ट स्टार्ट स्टार्ट आई आई अ नहीं मेरे को एडिट करने नहीं आती थी कुछ नहीं आता था भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता था वो विद टाइम या वो सीखा थोड़ा बहुत जो तो करके सो भाई ये बताओ मुझे हाउ डिड यू स्टार्ट पावर लिफ्टिंग आ, पावर लिफ्टिंग यार मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था हेवी लिफ्टिंग का मतलब उठाना है जिन जाके थोड़ा मज़ा आता था तो किक, किक मिलती थी मेरे को ऐसा सच था कि बॉडी बिल्डिंग है बट बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट किक नहीं है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मोनोटनस है वह तो ऐसा हो सकता है कि क्या कहीं ना कहीं जैसे वो तेरा प्रेजेंस था तूने जैसे बताया पहले तू कॉलेज में आया तेरे को लोगों ने कहा कि यू नो तो फिर बॉडी बिल्डिंग से कहीं ना कहीं वो

अगर तू सीरियसली कर ले तो यू माइट विन और तू ऐसे पूरी जर्नी दिखा सकता है लोगों को मज़ा आएगा आज तक किसी ने करा नहीं है ऐसा पावर लिफ्टिंग प्रैप पूरी दिखा के कॉम्पिटिशन खेलने जाना है ये वो तो ट्राई कर देन आई कंपीटेड और फिर अभी इतना आगे आगे कि क्या ही पता कब स्टार्ट करा था हो गए दो साल हो गए सो वॉट आई लिव्स राइट नाउ करंट राइट नाउ मैंने पिछले नेशनल में 305 डेडलिफ्ट करी थी 187.5 बेंच करी थी एंड 270 की स्कॉट करी थी बट अभी आई थिंक स्क्वाट में मैसेव ग्रोथ आया आई थिंक uh, इस बारी थ्री हंड्रेड प्लस होगा बाकी सी टेन प्लस प्लस कैसे होती है भाई इतना वेट लिफ्टिंग हैवी करता है फिर इंजरीज भी होती है हाउ डू यू नो कीप गोइंग रिकवर यार मेरे हिसाब से कोई भी स्पोर्ट अगर तुम कर रहे हो स्पोर्ट दैट्स अनहेल्दी ओके टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग इट्स अनहेल्दी लास्ट में तुम तीन दिन नहीं छोड़ रहे हो स्टेज पे फिर कार्डियो, कार्डियो कर रहे हो एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो काब्स नहीं खा रहे हो कॉम्पिटेटिव स्टेज वाले ड्रग्स यूज कर रहे हैं mm -hmm. तो इट्स अनहेल्दी सेम आउट से वो तो ज्यादा अनहेल्दी है कोई भी स्पोर्ट देख लो यार एक टाइम का क्रिकेट ऑल्सो क्रिकेट में जो बंदे फेल हो रहे हैं उनका मेंटल स्टेट क्या होगा अभी अभी वर्ल्ड कप आ रहे हो वो एक महीने तक सो नहीं पाएंगे सही से

भाई सोशल मीडिया बस करके मैं इतना अर्न कर सकता हूँ बट स्टिल ग्राइंड 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 कि भाई अब तीन सौ की स्पोर्ट मारनी है एशियंस खेलना है द आई थिंक ये बचपन से ही वो मेरे को ना वो रेस्पेक्ट अर्न करनी है मतलब वो जो बोला ना कि स्कूल वाला ही चलूँ तो yeah, so more, more, more. Yeah, अभी जैसे अभी जैसे लोग मिलते हैं Ye. Normal double. YouTuber hona was okay but I wanted the respect I'm doing it for respect there's no nothing like I'm getting the fame or money and the with content and everything I can get the double fame I'm telling you or next year maybe I'll show you how I can in the next it? six months yeah so I can get double fame double following everything this is only your for sport. respect and for your, for the sport एनी स्पोर्ट को थोड़ा बहुत फेमस करने के लिए लाइम लाइट फैलाने के लिए सिंगा एक बात बता वेन यू वेंट टू द इससे पहले वाले नेशनल्स वॉट एपन there और जिसमें फेल हुआ यस वॉट एपन there हाँ यार उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे मेंटल स्टेट भी मैं बोलूँगा कि सही नहीं था ओके okay. या वो <laughs> so, uh, तो, तो जिम तो में तो देखते ही so, उस टाइम पे आई वाज नॉट मैं मतलब चीज़ें चल रही थी पर्सनल लाइफ में उसके कारण मैं बहुत अग्रेसिव और ये था वो भी था बस तो कॉम्पिटिशन में यार बढ़िया प्रैप्ति इफ आई वुड हैव डन जो मैंने जिम में करा था आई वुड हैव बिन ऑन द पोडियम आई थिंक तो हुआ क्या एक्चुअली जस्ट बिफोर टू डेज बिफोर लीविंग मेरे को थोड़ा सा इलनेस आना शुरू हुआ थोड़ा, yeah. सा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा तब तक हम लाइट ले रहे हैं लाइट ले रहे हैं बट ऑन द डे ऑफ ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा हो गया और नी में जो जैसे क्या होता है कि तुम्हें कहीं पेन है ना एंड इफ़ यू आर अनवेल वो पेन ज़्यादा आएगा बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग दैट वेल है न्यूट्रिशन जान ही रहा है तो वो पेन ज़्यादा आ, तो आ रहा था तो नी का पेन बहुत ज़्यादा आ रहा था एंड फीवर काफ़ी हाई हो गया था बहुत सारे लोगों को यही है कि बहुत सारे जो ऑडियंस होते हैं उनको लगता है कि हम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं हम क्यों एक्सक्यूज़ देंगे हम चार महीने उसी चीज़ के लिए हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करके ट्रेन कर रहे हैं खाना खा रहे हैं पूरी जान लगा रहे हैं एंड वाई विल आई नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज कैसा रहा रिस्पॉन्स जब वेन यू लॉस्ट तो कॉम्पिटिशन में मेरे से नहीं हो पाया भाई ऐट द स्ट्रेंथ काफ स्कोट में फेल हुआ ना ऐट देंथ टू बट माई नी वज नॉट अलाउविंग टू गो डाउन वो मैं कर लेता हूँ मतलब बेस्ट परफॉर्म नहीं करता बट वो हो जाता जो फेल किया टू फोर्टी सेवन बट वो नी अलाउ ही नहीं कर रहा था नीचे जाने के लिए वही मैंने नैक्स्ट डे खोला यूट्यूब एवरीबडी इज लाइक हवा वाजी बोलो ये वो सिर्फ बोलता है करता नहीं वॉन्स टू गेट व्यूज उस दिन वहाँ पे मतलब लोग मैं फेल हो रहा हूँ और बहुत वायर जेरे नाम पे खा रहे, आ, खा रहे थे बट मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी कि मेरे look, like, कल रात को अपलोड टू फेल हुआ कल रात को वीडियो अपलोड हुई वी, आज सुबह इस पे एक लाख व्यूज है your, are, your yeah, फेल करा एक लाख लोग इंटरेस्टेड थे तभी जाके उन्होंने देखा भले ही गलत कॉमेंट कर रहे हैं गलत कॉमेंट करा बट दे आर इंटरेस्टेड ठीक है तो नेक्स्ट टाइम मैंने पाऊँ विल कॉमेंट गुड बट ठीक है स्पोर्ट्स में यू हैव टू गेट विथ इट लाइक स्पोर्ट्स मैन को क्या तो आप तो अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो गाली खाओगे दैट्स लाइक ओके ओके हाउड यू कम बैक क्या माइंड सेट रहा फिर कि भाई अब नेक्स्ट नेशनल में तो गोल्ड आना ही आना है मैं तो मतलब रेज मिल गई क्या रेज मिल गई थी मुझसे

ज़्यादा अग्रेसिव होके नहीं था एंड आई थिंक ऑन स्टेज बहुत ही में 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 यू हैव प्रेशर कि भाई लास्ट टाइम इतनी बातें बातें कर दी फेल हो गया अब क्या होगा मतलब वीडियो वीडियो थोड़ा अभी आती भी, अभी भी, कि एक बात बताओ अगर मैं हाइप नहीं बनाऊंगा अगर मैं Uh, बोलूंगा नहीं तो वाई विल यू बी इंटरेस्टेड करेक्ट सी इट मैंने देखा भाई लिफ्टिंग को भाई कोई भी बोले ना भाई नाइक पावर लिफ्टिंग but you made it famous. Yeah. क्योंकि मैं काफी सारे भाई नो, बच्चों को देखता हूँ करते हैं करते हैं अरे भाई जब तक तो तू नहीं कर रहा था ना भाई कोई भी नहीं कर रहा था फैक्चुअल मैं बता yeah. रहा है मैं नहीं करता व्हेन इट यू नो केम लाइक अ दैट वेव बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स यू ऑल्सो नो वॉन्टेड

हाउ डू यू सिर्फ बोर होता है तो फिर वाप कैसे लगे रहता है स्पोर्ट में यार देख मोटिवेशन तो ऐसे 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 होता है मेरा तो ऐसे भी हो जाता है बिल्कुल बट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक वाई आई एम आई सिटिंग हेयर लाइक अगर नहीं मन हो रहा है ट्रेन करने उस लेवल पे नहीं मन कर रहा पुश करने उस लेवल पे बिकॉज इन बॉडी बिल्डिंग यू द डे यू आर नॉट फीलिंग इट यू कैन गेट अ प्री वर्कआउट एंड चल हाँ ठीक है एंड एक एक्सरसाइज इट चल आ करते हैं आ तो वहां आगे। आगे। hmm. पे कुछ लाइट वेट वर्कआउट नहीं कर सकता करना ही है, है ना? Yeah. So, मैं बस ये पूछता हूँ तू भी यहाँ पे मस्ती करेगा सो लकी that you are earning so much from this like I iit wale nahi kar rahe on oh ab hum bhai paiso pe aaye gaye hain to bhai paiso pe aaye jaate no 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 singha bhai aap batao pehle to hum puchhenge aap you don't have to tell me your exact no yeah yeah ek i won't go there yeah how many sources of income do you have right now okay i i tell the sources you can tell numbers so, like फर्स्ट इज द यूट्यूबर से दैट्स नॉट मच देन इज द स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम बी देन और भी कोई स्पॉन्सरशिप आ जाए तो बट आई हार्डली डू ठीक है और एक चीज़ है मैं कभी भी कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करता जैसे आपको ये नहीं पता होगा बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आते रहते हैं वो बेटिंग है के वो एंड दे पे लॉट लेट मतलब लॉट आई नो इतना की पूरी डबल हो जाए है <laughs> ना ट्रिपल हो जाए बट मैं कभी नहीं करता बहुत सारे आपके बड़े बड़े करते होंगे बट मैं नहीं करूंगा ना ही करूँगा आगे तो ये हो गया एक यूट्यूब यूट्यूबिप तो ये हो गया देन आई फर्स्ट देन अभी मैंने वेप, अपना वेबसाइट लॉन्च किया सिद्धि डॉट कॉम उसपे अपल्स उस पे क्लोदिंग है कुडीज है टी शर्ट है ये भी उसी में आने वाला है wow. yes, एंड देन okay. uh, uh, उसमें हमने बेल्ट लॉन्च करी है लीवर बेल्ट yeah. उसमें Chalk. चौक है लिफ्टिंग के सारे सामान है yeah. तो वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग है बट एजन स्टार्टड ओनली माई गोल वॉज ऑलवेज टू नॉट बिकम रिच टू मेक पीपल अराउंड मी रिच वाह मी So this business is handled all by my brother and I don't take a share, or I won't even take a share ever. What? Yeah. So it's all. You it. even have a protein house right Yeah, protein shop right. Protein yeah, I have a protein shop, yeah. and that is that is partnered by my best friend who was in school, and we were partners from class eight to ten on the same bench. So my goal was always that my side, who I don't go top.

one is like you make bricks yeah 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 so so I have that and uh l yeah did yeah and one uh there's more uh, and uh and we also like uh I'm trying to like not being dependent on YouTube so I'm investing in properties a lot so yeah that's what bro a lot of people say you yeah unemployed uh,

मतलब आज आजकल से इवन ऑन इंस्टाग्राम बेटर जॉब वो या के गुड आजकलग्राम सो कॉन्टेंट क्रिएशन भाई पहले नहीं था मैं मानता हूँ आज से तीन चार साल पहले सो इट्स कॉन्टेंट क्रिएशन गुड करियर ऑप्शन नाउ या वेरी गुड चिल्ले यार जस्ट चिल्लाए like आपको, आपको पसंद है कुछ वही कर रहे हो जो आपको पसंद है कैमरा लेके घूम रहे हो वीडियोस बना रहे हो लोग आपको प्यार कर रहे हैं इज्जत दे रहे हैं और क्या चाहिए भाई you YouTube थोड़ा टफ है uh, मतलब uh, जो वीडियो अमन भाई बनाते हैं एडिट करते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है ग्रो करने के ग्रो करने के लिए बाकी अभी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक ही हफ़्ते में कोशिश करता हूँ कि एक हफ़्ते में ही तीन चार यूट्यूब और जो भी कंटेंट है वो शूट हो जाए ताकि मैं अगले पंद्रह बीस दिन शांति से ट्रेनिंग कर पाओ और वो दोनों चीज़ें मिक्सअप ना हो कि अगर तुम ट्रेन कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि वीडियो सही बन रहेगी नहीं एंगल सही बन रहेगी नहीं फिर पावर लिफ्टिंग नहीं होगी है ना तो कभी ब्रेक चाहिए था सोशल मीडिया से क्या ऐसा लगा ब्रेक चाहिए ज़्यादा कर लिया टॉक्सिक हो रहा है Uh, कभी कभी ऐसा लगता है बट देन अगेन यू बट देन अगेन यू हैव टू फोर्स यू सेल्फ टू थिंक डूड तू कर गया रहा था पहले और तू आज क्या कर रहा है क्या कपड़े पहन रहा है तेरी आज मर्जी होगी तो ये कर देगा वो कर देगा ये खरीद लेगा hmm. तो किसके दम पे ये तू इट्स लाइक अगर मान लो आप एक जॉब पे हो तो आपका मन करेगा तो ब्रेक थोड़े ना ले सकते तो हो ये तो जॉब हो गई करेक्टर तो मैं तो इसको जॉब के तरीके से देखता हूँ समटाइम्स आई डू लाइक कि टॉक्सिक हो जाता है लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड जो बिहाइंड द कैमरा है जैसे वो कॉम्पिटिशन हारने के बाद मैंने अभी तक एक ही ब्रेक लिया है वो कॉम्पटिशन हारने के बाद पंद्रह सत्रह दिन बस तो इतना गंदा हो गया था सोशल मीडिया लाइक like, uh, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे बहुत बट कुछ लोग वही वीडियोज़ बना रहे थे ये वो एंड वो वीडियोज़ क्या होता है घर वालों तक भी पहुँचते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे रहता है तो बस उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया था उसके बाद मैंने लिया नहीं मैंने हमेशा यही सोचा जॉब है अभी तो मैं यही सोचता हूँ जॉब है ये बताओ सिंगा भाई अब इतनी इनकम्स तो बता दिए अपने लिए सबसे महंगी चीज़ क्या ली है oh. महंगी चीज लाइक ऐसे मतलब बॉडा कार वो तो है ही है बट आई थिंक प्रॉपर्टी होगी हो अपने नाम पे ऐसा yeah. yeah. like, oh, wow. yeah. okay, you know, कोई मोमेंट यार बहुत सारे मोमेंट रहे हैं so, तो like, तो मतलब मजा आ गया दो तीन है फर्स्ट फर्स्ट सब मेरे पापा ने बिलीव करना शुरू किया उससे पहले मुझे गालियाँ पढ़ रही थी बहुत गंदी गालियाँ पढ़ रही थी कि हमने तुझे लिटरली सो लाइक यू सी माय ब्रदर वाज इन कॉलेज प्राइवेट कॉलेज माय बिग ब्रदर आई वाज इन अ प्राइवेट कॉलेज ही वाज इन बैंगलोर आई वाज इन देहरादून सो प्राइवेट कॉलेज माय फीस इज टू पॉइंट फाइव लैख फीस इज टू पॉइंट फाइव लैख पर ईयर सो दैट्स फाइव लैख इन अयर एंड देन रहने वहने का लेके दैट्स अराउंड एट नाइन लैख पर ईयर एंड सैलरी उसकी आधी होगी तो बहुत ही कट टू कट सीन चल रहा था उसमें तू ये क्या वीडियो बना रहा है क्या कर रहा है तू जिम में पड़े रहता है क्या चार घंटे आई वॉज गेटिंग ऑल दोज कॉल्स तू कर क्या रहा है तू प्रोटीन खा रहा है तू जिम ये क्या कर रहा है तू अंडे खा रहा है ये सब देख रहा है वीडियो में कर नहीं रहा है पढ़ाई ये वो सो so ये था तो फर्स्ट मोमेंट वॉज दैन आई वॉज लाइक एट्टी सब्सक्राइबर्स एंड मैं हर गया लाइक सेकेंड ईर कॉलेज में मैं घर गया और हम मैं मतलब आई प्लैंड पार्टी थ्रो करी लाइक बहुत सारे लोगों को लाया प्रॉपर ये वो और रिंग गिफ्ट करी तो देन लाइक माई फादर वॉज लाइक कि कहाँ से आया इतना पैसा रिंग पापा को मम्मी को मम्मी को और वो इज लाइक इतना पैसा कहाँ से आया देन आई शोड की आप कह रहे हो कि क्या रहता है वही भैया मैंने समझाया उन्हें फिर मेरे बड़े भाई ने भी उनको समझाया कि नहीं आज के लिए चल रहा है ये मतलब करियर है इसमें बन सकता है करने दो उसके बाद से पापा ने कभी बोला ही नहीं सो दैट वाज़ द फर्स्ट उसके से, उसके, उसके वॉज लिटरली मेरे पापा ने कभी मेरे से पढ़ाई का पूछा ही नहीं अच्छा इस साइड की ठीक है ठीक है होगा भी तो नहीं होगा मैंने बोला कि कर लूँगा मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा ट्रस्ट करूँ कुछ ना कुछ मैं निकाल लूँगा इस वजह से तो ही वॉज लाइक ये दै आई ऑल्सो साइड कि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा कॉलेज में

Uh, मम्मी को ये दिया था नेकलिस दिया था वो है फिर अभी पापा को फोन गिफ्ट किया बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आती नहीं। पापा को फोन गिफ्ट किया था, तो वो इमोशनल हो गए छोटी छोटी चीजें होती रहती है बट हाँ अभी ठीक है वो तो उतना मतलब उतना दिखाएंगे नहीं करेक्ट है पहले हम गाँव में रहते थे फिर हम थोड़े शहर में आए पढ़ने वढ़ने के लिए तो जब भी उनके मतलब फ्रेंड्स थे तो वो बोलते थे उनको कि शहर जाके कुछ नहीं हुआ एंड ऑल दैट सो मेरी मम्मी पापा बहुत वर्किंग थे hmm. तो हम दोनों भाई घर पे अकेले तो सब यही बोलते थे बिगड़ जाएंगे ये वो घर पे अकेले रहते हैं पूरा दिन और हम खेलते रहते थे पूरा दिन स्पोर्ट्स में थे वही बोलते थे कि बिगड़ जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे ये वो बहुत बर्डन था यार मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ये बड़ी बाइक कौन सी लीती है क्या पहली बाइक कौन सी ली थी बाइक बाइक हमारे घर पे थी हीरो हंडा सबके मिडिल क्लास को पता ही रहता है हीरो हंडा रहती है फिर मैंने वो ली थी अपाची आर आर थ्री टेन फिर अभी एक बुलेट ली थी हाँ जो नई आई है वही ही लिया अभी एक और प्लान कर रहा हूँ थोड़े टाइम में स्पोर्ट्स स्वो, स्वो, बाइक लूँगा अभी बड़ी हाँ मतला बोटी हाँ डुकाटी टाइप्स लूँगा बटन अड़ गया अब हाँ Say sure. Hmm. You made some anti-masturbation videos. Yeah, yeah. So what are your views on that, club does it really help? Mentally a lot, a lot. Use. first thing, first thing. I'm telling you, key important hai, you have to think very highly of yourself. जब तू तीन सौ डेडलॉक मारने जा रहा है तेरे दिमाग में ना तू राजा होना चाहिए तू किंग है, कोई और नहीं स्टैंड करता लाइक लाइक यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वेरी हाईली ऑफ टॉक्सिक भी अगर इसको तुम बोलोगे तो भी सही है बेस्ट नो बडीज इन दिम इन दिम आई एम दैन ड्रॉ विराट कोहली ने उनसे पूछा था कि आप 150 के बॉलर्स डालते थे बाउंसर्स मारते थे यू हैड नो हेलमेट में no तो क्या फील होता था चबाते-चबाते मूवी अलग वेट आई फील आई एम मैन दैट्स वो फील योर द मैन मतलब मतलब किसी को करे किसी को नहीं करे मेरे को तो करता है आई फील आर ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव कंट्रोल ओवर सम थिंग विथ नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ दीपल डोंट है कंट्रोल या साइंटिफिकली तो कुछ प्रूवन नहीं है आज से आउट सेल्सो पहले के लोग पहले हमारे पूर्वज भी मना ही करते थे वो hmm. तो कुछ सोच के ही करते आई थिंक अच्छा एक बात बता चल अब आ गए हम लिफ्टिंग पे हाँ तो लिफ्टिंग की वजह से यू हैव टू यू नो हॉप अ लॉट ऑफ जिम्स एम सो माय सड लाइफ या व्हाई वर यू किक्ड आउट ऑफ दिस जिम अह तू जाता है यार इट वाज अ शॉक टू मी आल्सो इट इज अ इट इज अ शॉक टू मी नाउ आल्सो अभी भी बिकॉज़ अभी तक हुआ नहीं कभी ये ये आई बीन टू अ लॉट ऑफ जिम्स कभी नहीं हुआ और शौक इसलिए भी है क्योंकि जो जिनका जिम था उनसे वो काफ़ी बढ़िया बातचीत थी काफ़ी सही था मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं तो जिम से यार मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे मे भी लोगों को मैं पसंद नहीं आया और मे भी मेरे पार्ट में भी कुछ गलतियाँ हैं जैसे कि आई वॉज़ वेरी अग्रेसिव और चिल्ला उल्ला के लिफ्टिंग विफ्टिंग तो मे भी लोग डिस्टर्ब होते होंगे ऑब्वियसली वो एक होगा अगर मेरे को वो करना भी था तो मेरे को सुबह आ कर लेना था शूट उट क्योंकि वही दैट्स नॉट मी उस टाइम पे था और बाकी उस टाइम पे कंट्रोवर्सी भी चल रही कॉन्ट्रोवर्सी भी हो yeah. गई थी लड़ाई वड़ाई मेरा फोन नंबर लीक वीक हो गया था या, या, या। तो उसके कारण और स्ट्रेस था उसमें और अग्रेसिवनेस लड़ाई जिम के अंदर भी हो गई एक दो और यार, यार ये तो कहीं भी रहता है कि देख मैं जिस लेवल पे हूँ सम पीपल विल लाइक मी सम पीपल विल हेट मी ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू पुल मी डाउन ऑल दैट मेरे को लगता है बहुत लोगों ने कम्प्लेन वम्प्लेन करा होगा मेरे बारे में दैट इज़ वाई मतलब मेरे को ऐसा कोई रीज़न मतलब उनके भी हाफ पे नहीं लगता बट कुछ कम्प्लेनस वम्प्लेंट्स हुए होंगे नंबर कैसे नहीं हुआ देगा नंबर यार ये एक इन्फ्लुएंसर था उसके साथ हो गया लफड़ा बट यू ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग एवरीबडी अप एज एज्सर गेम दो यार मेरे साथ तुम देख लो मेरे साथ जो भी रहा है मैंने उसको हेल्प ही करा है मैंने उसको ग्रो करने में हेल्प ही करा है और मतलब कोई भी रहा है मैं उसको गाइड ही करता हूँ हेल्प ही करता हूँ वो तो ठीक है मतलब अरे किसी के साथ नहीं जमती और ठीक है वो डिजर्विंग था इसलिए भी करा इस गुड तो सही है आई है ये बच्चा था यूज एटीन ओ समी नाइनटीन आई डोंट नो एटीन नाइनटीन तो ठीक है नंबर ली कर दी कर दी ओके है बट डू यू थिंक वहाँ से मतलब यू वॉज ग्रोइंग सो मच एंड यू गुड यू नो एक्सप्लोर मोर हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया या इन टर्म्स ऑफ यू नो फाइनेंस बिकॉज तू पूरा गाइड करता था उसको आई सीन दैट तो लगता है थोड़ा उसका मतलब माँ से फॉल थोड़ा शुरू हुआ यार फॉल क्या वो तो हर किसी के लाइफ का अपना अलग प्रोजेक्शन है उसकी जो मर्जी थी उसने घरी बच्चे वाली चीज़ें होती हैं चाइल्डिश बिहेवियर रहता है हर किसी का और मे भी आगे चल के उसको समझ में आया रिग्रेट हो या जो भी हो उसको वो तो आगे की बात है पता नहीं बट हाँ जिम वाली तो बड़ी प्रॉब्लम है इधर उधर इधर उधर इधर उधर बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पावर लिफ्टिंग की एक प्रॉपर हर कुछ मिल पाए सेटअप वॉइस अभी जैसे मैं ज, 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 मैं अभी अभी जा रहा हूँ उसमें चीज़ें सही हैं हेल्पफुल हैं बहुत लोग हेल्पफुल हैं मैं तो उसने कितना टाइम हो गया मेरे को एक साल से ज़्यादा हो गया गैस है ना तो सब कुछ चाहिए बट मी फिर दिन द बॉडी बिल्डिंग पार्ट इज़ नॉट गुड सो आई कॉन्ट ट्रेन एक्सेसरीज वेल या सो ठीक है बट दैट्स लाइफ चैलेंजेस नहीं आएंगे तो फिर

कोई भी बात नहीं करता सो बेसिकली द थिंग इज की सो ही टेकिंग हिज शेयर समथिंग दिस इज द ब्रांड या दिस इज द एजेंट ही वॉज वर्किंग एज एजेंट ओके एंड दीज आर द क्रिएटर्स गॉडेट ऊपर से पैसा आ रहा है आ रहा है एंड ही हैड टू गिव गड जो उसका शेयर था उसका कमीशन एवरीथिंग वो उसको रखना था बट अ लार्ज चंक

अभी कोई बीच में नहीं है कंपनी या तो फिर भाई उस टाइम कैसा रिएक्शन था मतलब जब भाई <laughs> सबको पता लगा भाई हमारे पैसे यहाँ जा रहे हैं आधे भाई ऐसे ही लगा कि यार सही है ऐसी है दुनिया प्रो क्या है उस ऐसी है बट नाम की दोस्ती दोस्त 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 बोल दोस 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 के इतना लूट लिया मतलब तीस चालीस परसेंट तुमसे खा रहा था वो

और उसके साथ फ्रूट्स ले ही रहते हैं एप्पल दो एक एक फोमोग्रेनेट और एक दो केले एंड ओट्स रहता है अराउंड हंड्रेड ग्राम hmm. फिर चावल आलू इट्स so वेरी कितने स्कूप प्रोटीन टू एंड हाफ थ्री सो इट्स हाई कार्ब्स हाई प्रोटीन हाई फैट नहीं हाई फैट नहीं है मीडियो पर मॉडरेट हाई कार्ब्स एंड हाई प्रोटीन ओके या दिस इज फॉर पावर लिफ्टिंग या बट अगर तुम तो बॉडी बिल्डिंग करेगा तो फिर का बॉडी बिल्डर कर रहे हो तो तुम मैन्यट कर सकते हो हाई फैट हाई प्रोटीन रख सकते हो काफ् स्लो कर सकते हो सबसे बेस्ट तो मेरे को लगता है यही रहेगा अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो थोड़ा सा फैट हाई करके थोड़ा सा प्रोटीन हाई करके काफ़्स धीरे 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 कट डाउन कर सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यूर ब्लाइंड बिल्डिंग या बट आई विल नॉट कम्पीट अर समिंग बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्पोर्ट लगता है एंड इट्स फॉर योर हाँ मेरे को लगता है कि लोग जो भी ये कर भी रहे हैं वो फेम के लिए करते हैं जो इन्फ्लुस करते हैं ये फेम वेम के लिए करते हैं मोस्टली तो मेरे को मैं पावर लिफ्टिंग के लिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पावर फेम यू कौन कर रहा था किसके व्यूज आते थे तो मैंने करा क्योंकि मेरा मन था बट बॉडी बिल्डिंग में फेम के लिए नहीं कर सकता मैं नॉर्मल जितनी हो सके नेचुरली जितनी बना सकता उतनी कोशिश करूंगा क्योंकि दो ढाई साल हो गए प्रॉपर फोकस ही नहीं करा बॉडी पे सिर्फ वेट पेट ही मारते मारते रहे ये बताओ इफ यू डू टेन एक्सरसाइज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ चूज टेन बेस्ट एक्सरसाइजेस पहले तो ऑब्वियसली एस बी डी करूंगा ही, उसके बिना तीन में ले लेंगे हाँ, स्वार्ण, स्वार्ण, में ही, उसके बाद आई वो डम्बल शोल्डर प्रेस डम्बल चेस्ट प्रेस क्योंकि वो मजा आता है Then uh, I would do. I would want cables. Cables. Cable crossover. Okay. Because Okay. Uske okay. Yeah, cables. Six. Then. Okay. Uh, uh, hack squat. Seven. I love it. Oof. what else is good to train ke ke I would say the lat machine, the lat pull down machine. Okay. Because that can help.

ने में मेरे को मजा नहीं आएगा जब मेरे पे को सर जिम का गोल फिजिक वाइज हाँ वो बाहर चल रहा है वो मेनली न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन में मैनिपुलेशन करी बॉडी ज्यादा वर्कआउट करा एक्सरी ज्यादा फोकस करी तो वो होगा बट जिम जाने का एक गोल होना चाहिए वो डरी सी है यार मतलब एक कॉम के बाद मैं ये खाना चाहूंगा अच्छा कॉम के बाद मैं ये दबा के खाना चाहूंगा कॉम के बाद आउट से सम गुड बर्गर फ्राइज बट अभी ऐसे जैसे शाम-वाम को बढ़िया बटर चिकन नान हाँ जिम के और आ पिंजे दिन प्यार मारी हो उस दिन खा सकते हैं वॉट्स योर रिलेशनशिप स्परेटस अच्छा सुपर भाई सो यूपीट आई डोंक मैं कभी भी दिखाऊ oh, ये तो मुझे भी नहीं बताता ठीक mm, है भाई ये बताया सिंह इतना लॉयल फैन बेस कैसे बनाया तूने यूट्यूब पे यार मतलब लग... How did you? यार मेरे को तो लगता है कि मैं अपने तरफ से अभी तक मैंने मतलब ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश ही नहीं करी है कुछ गलती हो भी जाती होगी बट मैंने अपने तरीके से प्लस मेरे को लगता है लॉयल फैन भी वही है कि वो जो पूरी कहानी जानते हैं पूरी जर्नी देखी हुई है एंड वो रिलेट करते हैं जैसे उनको भी कुछ करना है उनको भी ये छोटी छोटी चीजें चाहिए उनको भी लाइफ में कुछ बनना है तो वो जो रिलेट करते हैं जर्नी मतलब और प्लस जिम जाने वाले लोग ऐसे भी लॉयल होते हैं तो और वो जो हार्ड कोर जिम जाते हैं उन्हें पता है कि कितना टफ़ है इस लेवल पे लिफ्ट्स मारना लाइक टू थर्टी टू फोर्टी के जी डेड आना अलग कहानी है देर टू फिफ्टी के ऊपर देर अ होल डिफरेंट स्टोरी वो अलग ही कहानी है यू विल सी टू फिफ्टी टू सिक्सटी तक बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे एंड उसके ऊपर यू विल सी बहुत रेयर स्क्वाड में भी यू विल सी टू हंड्रेड तक बट टू फिफ्टी प्लस में स्क्वाड बहुत रेयर हो जाता है उसके लिए बहुत अलग कहानी है सो दो की लिफ्टिंग कितनी टफ है एंड दे नो की मतलब बंदा कर रहा है हाँ कर रहा है सपोर्ट पूरा है हाँ प्लस लॉयल मतलब मेरा मतलब, मतलब काम भी मेरे को लगता है कि क्लियर ही है प्लस एम भी क्लियर ही है अब मेरे को क्या मिल रहा है एशियन खेलने जा रहा हूँ द स्पोर्ट इज नॉट हेल्प बाय द गवर्नमेंट द स्पोर्ट इज नॉट रिक्नाइज ऑल्सो बाई द गवर्नमेंट होपफुली इट विल इन फ्यूचर आई एम पुटिंग माई मनी वहां पे जाना रहना खाना पीना फीस, करना। 1, 20, फीस है अच्छा सो इट्स ऑल ऑन मी तो तो ये मैं मैं, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ नहीं तो फिर इससे मुझे क्या मिल रहा है इससे बढ़िया तो फिर ऑडियंस तो बॉडी बिल्डिंग प्रेप में है, वो कर लो ये बात भी है इसमें तो हाइप भी नहीं है अरे भाई नो बडी एल्स ही करना है करियर है तो करना तो पड़ेगा थोड़ी हाइप बनानी पड़ेगी ना नहीं तो फ्यूल देखोगे तुम मैं इसको भी रस्ते में कह रहा था कि अगर मैं तीन सौ डेड लिफ्ट ऐसे जाके दिखा दी चलो अच्छा लगा मार के थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग थैंक यू अच्छा है बढ़िया है मजा आएगा देखना सही बात right. सिंगा फ्यूचर गोल्स क्या है भाई यहाँ से वट यू हैव इन लाइक फाइव टेन ईयर्स फ्यूचर गोल्स क्या देख रहे हैं अपने आपको क्या करना चाहता है वॉट यून अचीव बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अमीर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अमीर अमीर या okay. yeah. okay. जितना मैं कर सकता हूँ मतलब जितना रिच हो सर जितना जितना मैं पुश कर सकता हूं बिकॉज देर इज नो शेम इन दैट बिकॉज दैट्स द गोल यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर आई वॉन्ट टू रिमेंबर स्ट्रगलिंग फॉर हंड्रेड रुपीज एंड नाउ आई एव दिसक सो नेक्स्ट टेन ईयर्स ईजी very big house very big house like i manifested from so many years a very big house guard <speaking> karikabahar in 5 parking becomes like i manifested like every night if i couldn't do this my life was not worth it i have to it's a burden only. Okay. me day i achieve it move car that parking i enter every

थोड़ा सा क्रेजी कुछ इतने वेट कौन लाएगा गाड़ी में डालेंगे लाएंगे कुछ तो करेंगे जिससे कि थोड़ा सा बाहर कल्चर भी आए फिटनेस का और ग्रो भी करे बिकॉज ऑब्वियसली प्रेप वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं मैं हमेशा कहता हूँ जर्नी बहुत कम लोग देखेंगे रिजल्ट हर कोई तो हल्ला अल्लाह मचा जैसे कि हाँ अब जैसे कि प्रेप बहुत कम लोग देखेंगे तुम्हारी बट प्रेप का जो फाइनल वीडियो होगा वो देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल केयर ओनली अबाउट एंड जो तुम्हारे सिर्फ रिजल्ट से केयर करते हैं उनको तुम सीरियसली लो जो तुम्हारे प्रेप और जो तुम्हारी पूरी जर्नी में थे बस उनको वही है तुम्हारी ऑडियंस वो तो वैसे एक वीडियो देखने आई ओपिनियन दी चली गई जो पूरी प्रेफ में देख रहे हैं उन्होंने उन्हें पता है जर्नी दैट इज अलियंस एज टर्निंग मोमेंट जब चले लगा कि भाई अब मैं कुछ एंकर कर यार मतलब अब कर रहा हूं बढ़िया इंसिडेंट लाइफ टर्निंग मोमेंट हम घर में लगे घर में लगा कि भाई अभी ये करने वाला हूँ ये, ये तो ये लगा नहीं ये चांस है भगवान ने एक साइन दिया है या समथिंग कुछ ऐसा हुआ कुछ बताया आउट uh, से जब मेरे को मतलब सबसे लाइक सेकंड या थर्ड ईयर में मतलब एक डील मिली तब तक मैं दस पंद्रह हज़ार में काम कर रहा था बीस हज़ार में एंड फिर आई गॉट एन डील दैट वाज सो क्रेजी सो क्रेजी तो तब मेरे को लगा कि नहीं बहुत पर, more, क्या मिली थी तो तब मेरे को लगा था तब तक मैं कैसे वीडियो। मेरे तो लगता है ना मेरे को ना पूरा मेरा जर्नी जुगाड़ पे चला जुगाड़ पे वीडियो बनाने वाला जर्नी है अपने हॉस्टल में बनाई फिर बगल वाले हॉस्टल में देखा थोड़ा सा बैठे जिम है वहां जाके बना ली जुगाड़ पे कॉलेज के पास एक जिम है तो मैंने वो ज्वाइन करी मैंने उनसे पूरी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मतलब दस बजे जम बंद होता है दस बजे से लेकर दस पंद्रह पंद्रह मिनट दिया मेरे को कि उस पंद्रह मिनट में हफ्ते में एक दिन खोलेंगे उस पंद्रह मिनट जो करना का बना ले तो उस पंद्रह मिनट में दो दो यूट्यूब बना ले अरे भाई हाँ तेज तेज भाई जल्दी करो जल्दी करो वो आज जुगाड़ करके बनाई अभी भी इधर को बता है जुगाड़ करके इधर उधर इधर उधर जैसे तैसे बस यही चल रहा है स्मूथ कभी नहीं चला बस यही एक मैसेज यूथ के लिए क्या कहना चाहेगा जो कंटेंट क्रिएटर्स एस्पायरिंग है पहली बात फिटनेस में जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्कूल कॉलेज में है और ये मैसेज फॉर दैट मैं बहुत बार ये सुनता हूँ कि डू इट आउट ऑफ फैशन डू इट इफ यू ओनली लव इट ये वो बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरी नहीं पसंद होती बट वो कर रहे हैं ना बिकॉज इट गेट्स दम पेड सो वाई कॉन्ट यू ट्रीट इट लाइक अ जॉब आई वॉन्ट टू आस्क

अगर तुम पैशनेट हो फिटनेस को लेके कंटेंट क्रिएशन को लेके दैट्स अ वेरी गुड थिंग बहुत सारे लोग नहीं होते पैशनेट कंटेंट वॉन्टेंट बनाना ये वो लगता है कौन कर रहा है अरे जैसे जिम में भी देखता है वीडियो कैमरा लेके घूम रहा है क्या ही है, ही है ये वो थिंक अबाउट दैट डोंट थिंक अबाउट यू डोंट इवन नो लाइक आई थिंक यू यूज नो आजकल उन्नीस बीस साल के लोग जो कॉन्टेंट बना रहे हैं वो कैसी लाइफ जी रहे हैं

दिस नो वे यू वोंट बी नोटिस्ड यार करेक्ट है भाई नोटिस करेंगे लोग या फिर कोई बंदा 90 केजी का आके करेगा भाई आप अगर आपकी हां सुप्रीम पीसी को, को कोई बंदा 90 केजी का आके 310 315 डेड मार दे कैसे नहीं नोटिस होगा या 300 की स्क्वाट कर दे 200 प्लस बेंच करे कैसे नहीं नोटिस होगा तो न, ऐसा नहीं होगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और नोटिस हो जाओगे तुमको फर्स्ट थिंग इज कि यू वांट टू गेट नोटिस बट नोटिस क्यों होगे कुछ अलग अलग बनाना पड़ेगा अलग बेस क्यों देखे तुम्हें या तुम्हारी फिजीक या तुम्हारी स्ट्रेंथ या तुम्हारी नॉलेज नॉलेज या तुम्हारा ओवरऑल व्लॉगिंग का तरीका ओवरऑल हर एक चीज़ को तुम कैसे व्लॉग में एडिट करके अच्छा देखा <laughs> क्रिएटिव हो तुम क्रिएटिव हो कुछ होना है नोटिस तो करेंगे लोग और भाई आई एम टेलिंग यू ऑफ मनी ऑफ पोटेंशियल इन दिस फील्ड डोंट बिलीव जो लोग बोलते हैं कि कैमरा लेके चल दिए ये वो जिस बिलीव यू सेल्फ एंड जिम जाओ शूट करो करो भाई तो ये है मैसेज हमारे बच्चों के लिए कि ऐसा बहुत है मेनली देखते, देखते, देखते है ना पंद्रह से बाईस तेईस साल के लोग ही देखते हैं मोस्टली तो दैट्स द मैसेज की जस्ट बिलीव इन यूर सेल्फ और करते रहो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी ना बिलीव करे जैसे मेरे नहीं कर रहे थे मेरा एक बारी प्रोटीन ही फेंक दिया था अरे oh, yeah. भाई वो रिलेटिव आए थे उन्होंने बोला इसमें कुछ होता है इससे बीमारी होती है ये वो तो देखो फिर भी वो गया ना तो पेरेंट्स क्यों ही बिलीव करेंगे उनके जनरेशन में थोड़े ना फिटनेस करियर होता करेक्ट उनके जनरेशन में इंस्टाग्राम था मेरे पेरेंट्स को इंस्टाग्राम चलाने ही नहीं आता उन्हें पता ही नहीं इंस्टाग्राम भी कुछ होता है अभी भी नहीं पता इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल मेरी उन्हें नहीं पता ही वो बस यूट्यूब देखते हैं तो पेरेंट्स को नहीं पता होना जरूरी है तुम्हें पता है ना दैट्स इम्पोर्टेंट पार्ट थैंक यू सिंगा भाई For doing this podcast with me It was, a, it was lovely having you Thank you man. And guys Subscribe Work hard Singha bhai Would you like to say something? Have faith in yourself Thank you guys For watching the video I hope you guys like it Like dena, Share dena, Comment dena. And we will meet you With a new episode Till then Go to Stay ice gym Do powerlifting Your body is Thank you guys <laughs> Thank you bhai Thank you Bye